हेलो दोस्तों, मेरा नाम सुनील। आप देख रहे हैं डिजिटल प्रॉपर्टी यूट्यूब चैनल। आज जो प्रॉपर्टी आपके लिए आया, 144 गज का एक डुप्लेक्स हाउस बना हुआ है, जिसमें आपको 4 बेडरूम्स मिल रहे हैं, 3 हॉल मिलेंगे और 3 आपको किचन और इसके अंदर आपको 4 बाथरूम मिल जाएंगे। इसका जो फ्रंट मिल रहा है वो 36 का मिल रहा है आपको, तो काफी बड़ा फ्रंट मिल रहा है, इसलिए जो कमरों के साइज है काफी बढ़िया आ रहे हैं। मैं जो साइज है वो डिस्क्रिप्शन में डाल भी दूंगा। और इसमें आपको बड़ी कार पार्किंग मिलेगी, जिसमें आप 2 कार भी होंगी अगर आपके पास, तो आप उसे भी इस पे आराम से खड़ा कर सकते हैं। इसमें साथ में आपको बोरिंग भी मिल रहा है, तो आपको लाइफ टाइम पानी की दिक्कत नहीं होने वाली। और इसकी लोकेशन की बात करूं तो लोकेशन आ रही है नकरोंदा में जो टी पॉइंट है उसके आसपास का एरिया है ये, और जो डगरदा रोड है उससे ये मात्र 100 मीटर की दूरी पर है। इसके आगे आपको लगभग 20 फीट की रोड मिलेगी, और जो इसके नियर बाय आपको अगर आपको अपना हाईवे पे जाना है तो हाईवे के लिए यहाँ पे विक्रम और जो ई रिक्शा चलते रहते हैं तो उसको आपको यहाँ पे ट्रांसपोर्ट की दिक्कत होने वाली नहीं है। और जो बच्चों की एजुकेशन है यहाँ पे सेंट्रल स्कूल नज़दीकी है, और सभी यहाँ पे नया मॉल भी खुल रहा है, तो आपको शॉपिंग का कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। यहाँ पे अपना यहाँ पे स्टेटस मेंटेन करवाएंगे इस मकान के साथ। तो चलिए मैं आपको प्रॉपर्टी दिखाता हूँ। प्रॉपर्टी दिखाने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है, चैनल पहली बार आए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, अगर आपको कोई प्रॉपर्टी पसंद आती है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। और एक चीज बताओ, जब भी कोई प्रॉपर्टी ले प्रॉपर्टी का पेपर जरूर चेक करवाएं, उससे प्रॉपर्टी से होने वाले फ्रॉड से बच सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। वो सामने है वो नकरोंदा रोड है, जिसपे आपको भी ट्रैफिक देखा होगा चलते हुए, वहां से ये आ रही है 20 फीट की रोड है और सीधा टक्कर में ये मकान मिल रहा है। ये इसका फ्रंट एलिमेंट मिलेगा इस तरीके का, एक तरफ पूरा ग्लेजिंग लगा हुआ है तो काफ़ी रोशनी रहेगी, और ये बड़ा सा गेट लगा हुआ है जिससे आप अपनी गाड़ी आराम से अंदर बाहर कर सके। रोड से काफ़ी हाइट दिया हुआ है, नालियाँ बना के रखी है इन्होंने खुद ही अपनी, अब तो आगे फ्यूचर में किसी को दिक्कत नहीं होने वाली। जिस दिन रोड बन जाएगी तो इसका लेवल और ऊपर हो जाएगा, उसका आपको इसमें बेनिफिट रहेगा। अब मैं आपको अंदर से दिखा देता हूँ। ये आपको इसकी पार्किंग मिलेगी, 2 कार भी आराम से आ सकती है, 2 व्हीलर्स की फिर भी जगह बच जाएगी। और इस तरह भी आपका स्टोरेज है, ये आपका पूरी यहाँ पे बोरिंग हो रखा है इसमें तो उसका है, यहाँ पर भी आप अपने 2 व्हीलर खड़े कर सकते हैं, स्टोरेज के लिए भी बना सकते हैं आप इस एरिया में। यहाँ पर एक बाथरूम मिल जाएगा बाहर पर ही। ये रूम मैं अंदर से दिखा दूंगा आपको, यहाँ से इसका एंट्री रहेगा, ये इसका हॉल आएगा। ऊपर देख सकते हैं पूरा 4 सीलिंग का काम हो रखा है। और जो ये एरिया है ये इसका डक एरिया है, यहाँ से इस पर डक में जा सकते हैं। एक इसका टीवी पैनल मिलेगा, इसके साथ आपको यहाँ पर एक मॉडल किचन मिल जाएगा इस तरीके से, पूरा मॉडल बनेगा अभी। इससे भी आपको 4 सीलिंग का पूरा काम मिल रहा है, ये पूरा 4 सीलिंग का काम है। और एक बेडरूम ये रहेगा इसका, अभी ये अलमारियाँ बनेंगी, और ये इसमें पूरा POP का काम हो रखा है, सॉरी 4 सीलिंग का काम हो रखा है इसमें पूरा। और ये इसमें बेड लगा के रखा हुआ इन्होंने, और ये यहाँ पर आपको एक TV कैबिनेट मिल जाएगा। ये इसमें एक वॉशरूम है इस तरीके का, काफ़ी बड़ा वॉशरूम है, वेस्टर्न सीट लगा हुआ है, वॉश मशीन यहाँ पे लगा हुआ है, आप देख सकते हैं शावर का काफ़ी बड़ा शावर दिया हुआ है इसमें। और सारा आपको दीवार माउंट रहे हैं सारे के सारे एक्सेसरी की। और ये जो बेडरूम मैं आपको बाहर से बता करता हूँ, वो ये बेडरूम है, इसमें भी 4 सीलिंग का काम हो रखा है। आपको मकान 2 तरफ से पूरा खुला हुआ मिलेगा। अब मैं इसका आपको फर्स्ट फ्लोर दिखा देता हूँ। ये फर्स्ट फ्लोर पे जाने के लिए इसमें देख सकते हैं पूरी सीढ़ियाँ, आपको ग्रेनाइट मिल रहा है, और जो रेलिंग मिल रही है स्टील की रेलिंग मिल जाएगी आपको इस पे, साथ आपका पूरा ग्लेजिंग लगा हुआ है नीचे से लेके ऊपर तक, तो उससे रोशनी बनी हुई है यहाँ पे। ये इसकी आ जाएगी बालकनी टाइप की, ये यहाँ पे आप बैठ सकते हैं, इसमें टफन लगेगा इस तरीके का, और इस तरफ का व्यू आएगा यहाँ से, पूरा माउंटेन व्यू दिखेगा आपको यहाँ से इस तरीके का। ये हॉल आ जाएगा इसमें, रेंटल पर्पज़ के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको 2 किचन ऊपर भी लगे, ये भी किचन आ जाएगा, यहाँ पे किचन बन जाएगा, और एक बेडरूम आपको इसमें भी यहाँ मिल जाएगा इस तरीके का बेडरूम मिलेगा। इसमें अलमारी आएगी अभी, और ये ऊपर पूरा 4 सीलिंग का काम हो रखा है। यहाँ पर एक बालकनी मिल जाएगी आपको, और ये आपका इस साथ स्पोर्टेज बाथरूम मिल जाएगा। अगर आपको रेंट में भी देना होगा तो रेंट में दे सकते हैं आराम से।
और ये आपको बालकनी मिल जाएगी, इस तरीके की बालकनी। ये पीछे फार्म हाउस है। अब इसका दूसरी तरफ से दिखा देता हूँ। इसमें भी यहाँ पर भी आपको एक हॉल टाइप का मिल जाएगा। ये पूरा ऊपर फोर सीलिंग का काम हो रखा है। यहाँ पे आपको स्टेप्स खींचे हुए हैं पूरी दीवार पे, और यहाँ पर भी आपको एक छोटा किचन मिल जाएगा। यहाँ पे किचन बनेगा भी इस तरीके का है, और एक बेडरूम मिल जाएगा। ये यहाँ पे आप अलमारी लग जाएगी, ये इस पर भी फोर सीलिंग का काम रखे, और ये रूम रहेगा। इसमें भी पीछे बालकनी है, और इसका वॉशरूम इस तरीके से मिल जाएगा। रूफ दिखा देता हूं इसका। सवा तीन हिस्सों में बना हुआ है, लगभग 135-140 गज के आसपास। काफी स्पेसियस है, देख सकते हैं। ये पूरी रूफ मिलेगी आपको यहाँ से, और ये आपको पूरा व्यू मिलने वाला है इस तरीके का। ये पूरा फार्म हाउस है किसी का। अगर आपको प्रॉपर्टी पसंद आई है और आप इसे विजिट करना चाहते हैं, तो आप हमारे नंबर पर कॉल कीजिए, हम आपको इसका विजिट करवा देंगे। पर मेरे से रिक्वेस्ट है, कभी भी आप हमको आने से 2-3 घंटे पहले कॉल कीजिए, जिससे हम वहां पे पहुंच सकें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी।